विनायकी के इंसाफ के लिए विश्वव्यापी अभियान। पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है, उसमें मात्र दो पैर वाले प्राणी नहीं, उसमें जितनी सारी भूमि के ऊपर है, भूमि के अंदर है, वो सारा हमारा परिवार है। हथनी को इंसाफ दिलाने पलक्कड़ में डटा जी। കേരളത്തിലെ കാടുകളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്ന ആനകളെ കഴിഞ്ഞ നിരവധി വർഷമായിട്ട് ഹഥനിക്ക് ഹത്യാക്ക സച്ച് എഫ് ഐ ആർ സേ ദബായേഗി കേരള സർക്കാർ। बहुत शर्मनाक और बहुत ही दर्दनाक घटना है ये। वहाँ के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है माननीय के राजू साहब को मैंने कई बार फ़ोन किया, मैंने मैसेजेस भी किया, स्पेसिफिक सवाल मेरे थे, उसके जवाब मुझे तक अभी तक उनसे मिली नहीं है। विनायकी के असली गुनहगार कहाँ हैं? सोच रहे हैं कि अगर हम दो तीन दिन चुप रहेंगे तो बस कोई और मामला शुरू होगा, कहीं और जानवर मर जाएगा, कहीं और कुछ हादसा हो जाएगी, फिर थोड़ी देर के बाद लोग भूल जाएंगे। विनायकी के हत्यारों को कौन बचा रहा है? मेनका गांधी ने उस पर हमारे चैनल पर आकर एक टिप्पणी कर दी और अब मेनका गांधी को भी डराने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। विनायकी के लिए विश्वव्यापी इंसाफ मांग रहा है। जी हां, केरल में जंगली जानवरों की हत्या बहुत आम हो गई है और अंगों की तस्करी के लिए हर साल सैकड़ों जानवरों को मार दिया जाता है। हाथियों की हत्या उनके दांत के लिए की जाती है और इसी तरह कई जानवरों को अलग अलग वजहों से मार दिया जाता है। आज हमने विनायकी की हत्या को आधार बनाकर केरल से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि केरल में कैसे सिर्फ विनायकी ही नहीं बल्कि सैकड़ों जानवर इंसानों के लालच का शिकार हो रहे। एक मादा हथनी की हत्या जी न्यूज के लिए सिर्फ एक खबर नहीं थी, इसकी तस्वीरें हमारे लिए सिर्फ वायरल कंटेंट नहीं था, यह हमारे लिए एक मिशन बन गई। एक ऐसा मिशन जिसके तहत हमने विनायकी को न्याय दिलाने की ठान ली और हमारी यही जिद हमें दिल्ली से 2500 किलोमीटर दूर केरल के पलक्कड़ ले आई। 25 मई को सुबह सुबह चेलिक्कल इलाका, जो कि यहां से पहाड़ी पर लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से हथनी चलकर 25 मई की सुबह यहां वेलियार नदी में पहुंचती है, क्योंकि वो अंदर से उसका मुंह पूरी तरह से जल रहा था, जबड़ा बताया जा रहा था कि सड़ गया था। और फॉरेस्ट के अधिकारी जब यहां पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने हथनी को भगाने के लिए कि हथनी इस नदी से भागकर कहीं और चली जाए तो यहां पर घंटी बजाई। घंटी बजाने से हथनी नहीं भागी क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको घाव था। और आप उसके बाद ये जो इलाका देख रहे हैं, ये जो पोर्शन यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ आग लगाई गई ताकि आग देखकर हथनी यहाँ से भाग जाए। और आग जो लगाई गई वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लकड़ी पर आग के जले हुए निशान भी आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले 25 मई को हथनी को यहाँ से भगाने की कोशिश की गई, लेकिन हथनी इतनी गंभीर अवस्था में थी कि वो यहाँ से कहीं हिल नहीं सकती थी, वो बार बार अपनी सूंड को पानी में ले जा रही थी ताकि उसे कुछ राहत मिल जाए। ये सब होने के बावजूद वन विभाग के अधिकारी देखते रहे, ग्रामीण यहाँ पर लगातार मदद की अपील करते रहे अधिकारियों से, सरकार से, लेकिन हथनी की मदद 25 तारीख को नहीं की गई। यहाँ पर आकर जरूर देखा, उसे भगाने की कोशिश की गई और फिर देर रात हथनी यहाँ से निकलकर ग्रामीण इलाके में पहुँच गई और वहाँ से फिर ग्रामीणों ने किसी तरह से हथनी को दोबारा वहाँ से भगाया। और फिर 26 मई की सुबह 4 बजे एक बार फिर वेलियार नदी में हथनी यहाँ आकर पहुँच गई। 26 मई की सुबह एक बार फिर से वन विभाग के अधिकारी इस थैयम कुंडू घाट पर पहुंचे, जो कि वेलियार नदी का है, और यहीं पर थैयम कुंडू इलाके में एक बार फिर से ग्रामीण इकट्ठा हुए और हथनी की जो दर्दनाक स्थिति थी, जो दयनीय स्थिति थी, वो किसी से देखी नहीं जा रही थी। ग्रामीणों ने जी न्यूज़ को बताया कि उस वक्त हथनी बिल्कुल तड़प रही थी और एक तरह से ग्रामीण हथनी के बिहाफ पर सरकार से मदद मांग रहे थे। और आप सोचिए, 25 मई की घटना, पहला डॉक्टर 26 मई को दोपहर 1:30 बजे बुलाया जाता है, वो भी 60 किलोमीटर दूर से। जब 1:30 बजे वो डॉक्टर पहुंचता है यहाँ पर 26 मई को, वो डॉक्टर कुछ नहीं करता है,
वो डॉक्टर कहता है कि हमें पहले बेहोश करना होगा, लेकिन हथिनी की हालत ठीक नहीं है, मैं इसमें आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। ग्रामीणों ने बताया कि वो डॉक्टर यहाँ से वापस चला जाता है। अधिकारियों ने यहाँ पर आप देखिए इस तरह की सोलार फेंसिंग कर दी, इस तरह की फेंसिंग पूरी नदी के किनारे कर दी ताकि हथिनी इस नदी से निकल ना पाए, और चारों तरफ से घेर दिया। और यहाँ से 26 मई को एक बार फिर उसी रात यहाँ हथिनी पड़ी रह गई, दर्द से तड़पती रह गई। 27 मई को एक बार फिर ग्रामीणों ने अधिकारियों पर दबाव बनाया कि इस हथिनी की कुछ मदद की जाए, इसका इलाज किया जाए ताकि हथिनी को बचाया जा सके, क्योंकि हथिनी का दर्द ना ग्रामीण देख पा रहे थे ना आसपास के लोग। लेकिन अधिकारियों के कानों पर ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है। अधिकारियों ने दोपहर 1 बजे 27 मई को ट्रेंड हाथियों को बुलाया, 2 हाथी यहाँ पर बुलाए गए और उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए यहाँ पर बोला गया। और जब देखा, उन्हें बचाने की जब कोशिश की गई, उस वक्त काफ़ी देर हो गई थी जब हथिनी को निकालने की कोशिश की गई। तो इसी बीच इस गांव के जो ये वेलियार नदी के पास गांव पड़ता है थैयम कुंडू के पास, वहां के समीर ने पानी में जाकर हथिनी को बचाने की कोशिश की, लेकिन देखा कि हथिनी उस वक्त अपना दम तोड़ चुकी। यानी कुल मिलाकर विनायकी 3 दिनों तक तड़पती रही, दर्द से कराहती रही, लेकिन उसकी हत्या करने वालों की संख्या बढ़ती रही। पहले कुछ लोगों ने उसे पटाखे देकर मौत दी और फिर कुछ लोगों ने उसे बचाने के लिए कुछ ना करके उसे मौत के मुंह में धक्का दे दिया। समीर हमारे साथ हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं और चश्मदीद हैं, सबसे प्रमुख चश्मदीदों में से एक हैं, जो कि लगातार 25 से 28 मई तक, जब तक हथिनी का अंतिम संस्कार नहीं कर दिया गया, तब तक यहाँ पर मौजूद थे। समीर, 25 मई को क्या हुआ था, कहाँ से हथिनी आई थी, कैसे कुछ क्या हुआ, आप लोगों ने क्या देखा, अधिकारी यहाँ पर कब पहुँचे, किस स्थिति में हथिनी यहाँ 25 मई को दिखाई पड़ी? 25 രാവിലെ 6 മണിയോടുകൂടി ഇവിടേക്ക് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ ടാപ്പിങ്ങിന് പോകുന്ന ഒരു ആൾ ഈ ആന ഇവിടെ വെച്ച് ഏകദേശം ഈ ഏരിയയിൽ വെച്ച് കാണുകയും 5 ബജേക്കുബേ ടാപ്പിംഗ് മത ഈ റബ്ബർ കാ ടാപ്പിംഗ് ലേബർ ലോകെ ഉൻ ലോ ആക്കെ പല ഹാത്തിക്കോ ഇതർ ദേക്കാ ഉസ്കാ ബാത് മേ ഇൻ ലോ ഗാവാലെ കോ സംജായാ ഐസെ ഐസെ ഹാത്തി ഹേ സബ് ലോ മില ഇതർ ആക്കെ ദേക്കാ തബീ തോ ആനി തോ പാനി മേ ഉസ്കാ ബാത് മേ ഫോറസ്റ്റ് കോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മേ ഇൻ ലോ ഇൻഫോം കിയാ तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोग आ गया इधर, तो उसको बाद में इन लोग इधर आग लगा के देगा और उसका बाद में पटका तोड़ के देगा और टिन बजा के देगा हाथी को कैसे भी जंगल में वापस भेजने के लिए। तभी उसका मुंह में इतना ज़्यादा से चोट लगा हुआ है, वो चोट से बहुत बदबू भी मार रहा है और पक गया हुआ है चोट है। इसके लिए हाथी पानी में ही है उस 25 तारीख नाइट तक। स्थानीय पत्रकार जयप्रकाश भी बताते हैं कि विनायकी की हत्या के लिए कैसे सिर्फ वो 3 लोग नहीं बल्कि पूरा प्रशासन जिम्मेदार है। फॉरेस्ट लोग कैसे भी इसको ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश करना सकता था, लेकिन क्यों वो मालूम नहीं है। उतना सब गवर्नमेंट इतना परफेक्ट है, लेकिन ये लोग क्या किया, वो उसके लिए ऊपर हाथी को ऊपर लाने के लिए वो कोशिश नहीं किया है। यानी हथिनी को बचाने की पूरी कोशिश नहीं की गई? नहीं किया। पलक्कड़ की वेलियार नदी में 3 दिन तक असहाय दर्द के साथ खड़ी रहने वाली विनायकी की अकेली नहीं है, बल्कि केरल में सैकड़ों हाथी और दूसरे जानवर हर साल ऐसी ही निर्मम मौत मारे जाते हैं। पिछले 1 साल में हुई कितने हाथियों की मर्डर यहाँ पर पिछले 1 साल में हुई? इन फॉरेस्ट मैम 17 एलिफेंट मर गया था। ओके। इन पिछले साल में